कि हमने हमर खुद सब बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है। लंच भी नहीं आया, वेंडर हमारा आया नहीं, तो कोई समोसे ही खिला दे। चले हमारे मुल्क में वैसे ईद जो है लोग लंबी करते हैं, ईद खत्म ही हुई अभी तक। अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, गाड़ी जो चप्पू वाला सीन हो जाए। वैसे हाँ बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो गया, देखते हैं ट्रैफिक टेल बनाते हैं आज की क्या चल रहा है। कराची में तो बहुत ज्यादा पानी आया है, यहाँ पे देखते हैं कितना कुआ है। वैसे ऊपर से देख लें, ये ना हम लोग जाए। आप गाड़ी कौन सी पे आए? मैं आया हूँ दिखाता हूँ, एस क्लास पे आया हूँ, जिसको शिवा भी कहते हैं, टैंक भी कहते हैं। वो देखें उसके छोटे गोटे पानी तो आ चुका है, उस तक पहुँचना कैसे ये कैसे सवाल है। मेरी गाड़ी पे चले? नहीं इसमें चलते हैं तो पानी पड़ता रहेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, घर से गाड़ी चेंज कर लेते हैं। बरसात के मौसम में जीप चलाते हैं। चले सर आ जाए इधर पहुंचना के सर। यहाँ पे कहीं खड्डा भी है, गिरना जाना उसके अंदर सर। पहले सेफ्टी वहाँ से जाऊँ तो बेहतर है, गीला तो नहीं होता है। मेरे जूते में हाँ चले। आपकी ये हालात सबसे पहले गुड न्यूज ये देखें, पेट्रोल नहीं है। हालात तो आने ही आने थे। पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसका ये क्या खबर है? सस्ता हो रहा है कि सुना है 10-15-20 रुपए, कोई 50 रुपए कह रहा है। अच्छा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि डलवाऊँ कि ना डलवाऊँ, इतना डलवा लेते हैं घर तक पहुँच जाए। इतना भी नहीं है यार, ये लास्ट इसमें जो डला था ना, क्योंकि गाड़ी बहुत चलती कम है, तो ये जो 100 रुपए बढ़ा है ना उससे पहले वाला पेट्रोल है इसके अंदर अभी तक। अच्छा। अक्सर गाड़ी में अमर भी जो मेरा ख्याल है मैंने जो फुल कराई थी वो लास्ट जो पेट्रोल बढ़ने से पहले कराई थी। और ये छत पे है सर, ये एसी लगा हुआ है? एसी नहीं है ये, उसके लिए लाइट के लिए वेंट्स है, सनरूफ है। अच्छा। सनरूफ का साइज देखें बिल्कुल पैनोरामिक। ये कौन सा मॉडल ईयर है? ये 96 मॉडल है, S320 लॉन्ग व्हील बेस्ड है। आप उस जमाने में देखें इसमें इलेक्ट्रिक मेमोरी सीटें हैं, अगली भी पिछली भी रिक्लाइनिंग है। अच्छा। अगली पिछली भी रिक्लाइनिंग है। इस गाड़ी को बेसिकली W140 बोलते हैं, मेरी फेवरेट एस क्लास है ये पाकिस्तान में। इसको टैंक शेप कहते हैं, चेसिस कोड इसका 140 है, अरबी में इसको शिबा कहते हैं, अगर दुबई वगैरह आप जाएं इसको शिबा। 2000 का पाक, 2000 का अब कितना डलता है? 2000 में आएगा भजन 8 लीटर। कल भी मैं ये देख रहा कि 1000 में इको एक, हालांकि 249 पॉइंट समथिंग है, लेकिन जब आप 1000 जुड़वाते हैं ना तो 4.0006 होता है, तो वो 4 लीटर डाल के रोक देते हैं, उसमें भी पैसा बना रहे हैं। और अभी 10-15 रुपए सस्ता होता तो शायद कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन इतना होना चाहिए कि रास्ते में बारिश में इसकी वजह से रुकना चाहिए पेट्रोल की वजह से। बड़ी गाड़ी है, बड़ी बेहतरीन कंडीशन में। चली कितनी हुई है? ये चली हुई है 2,09,000। 26 ईयर्स, 26 साल में 2,00,000 कुछ भी नहीं है, 10-7 साल की हुई। ये पहले जर्मन एम्बेसी की गाड़ी थी, वहाँ से ऑप्शन। और इसमें ये 4, 1, 2, 3, 4 सारे गियर हैं, मतलब मैनुअली आप मैनुअल भी कर सकते हैं। और ये W और S के समर। अच्छा, इससे क्या होता है? यार। ये स्पोर्ट्स होगा और कुछ ये स्पोर्ट्स मोड होगा, और ये विंटर में होगा कि अगर आपको कहीं बर्फ वगैरह में निकालनी तो। ये JBC का तो आपने आफ्टर मार्केट लगाया? ये बाद में लगा हुआ, ये एक वही चीज है जिसमें जैनो ने जो मुझे बड़ा तंग कर दिया, जिसकी वजह से ये गाड़ी आजकल बैटरी पी रही है, क्योंकि कोई ना कोई चीज ऑन रहती है, जब ये खड़ी करो ना 4-5 दिन इसको स्टार्ट ना करो तो ये बैटरी पी जाती है। बाकी आप पिछली सीट का लॉन्ग व्हील होने दिखा सकते हैं कितनी स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है। ये रेयर व्हील है? ये रेयर व्हील है। अच्छा, ये जिसका ये हम्प ज्यादा होता है वो रेयर व्हील होती है ज्यादातर गाड़ी। मार्क एक्स में भी ये बहुत बड़ा, और वाइपर भी बड़ा हैवी किस्म का। और ये आपने पाक आर्मी जिंदाबाद, ये मैंने नहीं लगाया, जिन्होंने लगाया पहले की लगी हुई, लेकिन मैंने कहा चलो लगे ना मुझे इन सॉलिडेरिटी विद आवर आर्मी। हम जो सोनाटा में देख के हैरान होते हैं, फीचर्स के पीछे शेड है, ये फलाना है, ये वाली चीजें इसमें सब ऐसे ही है। जिस तरह कराची वाले साफ पानी देख के हैरान होते हैं कि पंजाब में आप गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी पानी उनको घर पे नहीं मिलता, तो वो तो आपको मतलब सोनाटा पाकिस्तान के लिहाज से तो इस टाइम पे बहुत बड़ी गाड़ी समझी जाती है ना। सर कराची की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पानी इकट्ठा हुआ है अभी, ये हार्डली 10 मिनट हुए हैं बारिश को, और लाहौर का निकास का सिस्टम जो है काफी बेहतर है, तो कराची में क्या हाल हुआ होगा? आपस की बात है, कराची में बहुत बुरा हाल है, लेकिन हमारे यहाँ पे दो चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पे क्रिटिस करना बनता वहाँ करना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए बनता वहाँ नहीं करना चाहिए। जब इतनी एकदम बारिश ज्यादा आती है तो ऑब्वियसली जब आने का टाइम तो देखे ना, नहीं दे देखिए ना लाहौर में, ये देखिए अभी चले फिर भी गाड़ी हम गुजार रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वहाँ तो डूब गई है सारी चीजें।
मतलब कि रेन देखिए मैं कह रहा हूँ इन्फ्लो आउटफ्लो है ना, अगर ऊपर से रेन हो रही है और मिली लीटर में उसी चाहिए तादाद है और उसने जाना है गटर से है। पहली बात तो गटर हमने खुद बंद किए हुए हैं, किसी गवर्नमेंट ने आके उसमें लाइशें नहीं फेंकी अभी तो, खासतौर पर ईद गुजरी है। उसके अलावा लोग जो है बंद कर देते हैं, गटर की सफाई नहीं करते। अब हमारे घर के बारे में आपको दिखाऊंगा, हमारी जो सड़क है उसमें पानी इतना होता है कि आप गाड़ी मुश्किल से लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीमियम मोस्ट इलाका है लाहौर का, लाहौर का सबसे फिर से आप कहते हैं पॉश इलाका है। होता क्या है कि वहाँ जो गटर है उसके आगे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और जिस घर के आगे गटर है सारा पानी उसकी तरफ आएगा, मतलब रूल यही है ना कि पानी ने उस तरफ फ्लो करना जहाँ उसको मिलेगा फ्लो, तो हमारे घर के आगे सबसे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब इधर देखिए यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ कहीं गटर नजर आएगा ना, और ये आपको पानी, और मेरे ख्याल से जब आप गाड़ी चला रहे हो बारिश में तो देखना चाहिए बाइकर्स को भी, बाइकर्स और देखें अभी वो आगे गाड़ी जा रही है तो मतलब उसको मेरे गौर नहीं कर रहा होगा, फील नहीं होता। हम गाड़ी में वाइपर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले बेचारे के पास कौन से वाइपर है, उसकी आंखों में भी पानी पड़ रहा होगा। मैंने पहले दिनों वो इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यू के लिए चलाई ना बाइक, तो मुझे दर्द फील हुआ बाइकर करके, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बारिश में सीधा पानी, फिर आप जा रहे हैं सड़क पे लोग नीचे से भी पानी फेंक रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। वो देखे ना कहीं ने हाथ आगे रखे हुए हैं, अभी ये पानी उड़ाते जा रहे हैं भाई जान, अगर कोई पीछे लेफ्ट पे खड़ा है वो पैदल जा रहा है, उसके ऊपर नीचे से पानी फेंकेगा तो वो गुस्से होगा, ऊपर से छतरी ली हुई है नीचे लोग गुजारी जा रहे हैं, ये अपोजिट आ रहे हैं। देखो लिमिट क्या, आप किसी का ख्याल कर सकोगे लेकिन फिर भी करना चाहिए। अभी देखिए सबसे पहले पानी से ये रिक्शे मोटरसाइकिलें खराब, ये बंद हो गए हैं। वैसे मेरे ख्याल से शदीद मानसून का सीजन जो है स्टार्ट हो गया, पहले ईद पे प्रेडिक्टेड थी बारिशें लेकिन उस तरह हुई नहीं। प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, रिएक्टिव। देखें अगर आपको और मुझे हर किसी को, पुराना जमाना तो है नहीं कि पता नहीं था बारिश आनी है, हर बंदा में हफ्ते से लगा हुआ कि ईद के बाद बारिश आनी है, तो जितने इदारे हैं उनको सफाई कर लेनी चाहिए थी, उनको गटरों की जो ओपनिंग है उनको खोल लेना चाहिए था, लेकिन अपना इंतजाम करना चाहिए था। ये देखें ये प्राइवेट कोई बंदा है उसको पता है कि पानी आना है तो उसने पहले से ये पंप निकाल के आपको पानी बाहर फेंक रहा था, ये सर ये वो प्लाजा बन रहा है। हाँ तो वो देखें उसने अपना बंदोबस्त किया है ना, वो राइड पे देखें उसका पानी निकल के सड़क पे जा रहा है। पहली बात तो ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि ये अलाउड है कि नहीं, तो अपने प्राइवेट उससे फेंक रहा है, लेकिन अगर प्राइवेट बंदा ये कर सकता है तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, और जो कि यहाँ पे किया जाता है कि टीमें बनाई जाती है बासा की जो कि अपने इलाके में जो है ना काम करें। बट मैं ये नोटिस कर रहा कि हमारे मुल्क में ये जो आपके हाथ में चीज है ना, ये और व्हाट्सएप ने कई लोगों को काम से छुड़ा के, सफाई का महकमा हो बासा का महकमा हो, ना खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते हैं। मैंने कहा तस्वीरें क्यों खिंचा रहे हैं, वो दो दो झाड़ू लगा के ना तस्वीर के जाके ऊपर बॉस को भेज देते हैं। देखिए विनस आ गया, ये गली हमें पता है कि इस गली में पानी होना ही होना है, मैं जानबूझ के आपको लेके आया हूँ क्योंकि अभी बारिश शुरू हुई है। अरे ये मर्सिडीज खराब होगी ना, इसके घंटे बाद आप इसके सर वो बच्चों बच्चों को बचा के इसके घंटे बाद अब आप बोनेट में पानी देखेंगे। एल्फर्ड है ना, पहले दिनों इसी सड़क पे बारिश हुई तो उसकी नंबर प्लेट लोहे की सरकारी नंबर प्लेट जो है वो टेढ़ी हो गई थी पानी के पहले। तो गाड़ी जब आप लेके जा रहे हैं ना पानी वाली जगह पे, अब अगर फर्ज करें खुदा ना खास यहाँ पे खड्डा हमारी गाड़ी कहीं भी रहती है और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो बारिश में कोशिश करें कि आप उस सड़क पे जाएं जिसका आपको पता है। मुझे एग्जैक्ट ये जबरक जबानी याद है कि इसमें कहाँ खड्डा है क्या नहीं है, तो मुझे पता है सही है, वरना के लिए यहाँ पे लोग खुदाई कर देते हैं, कोई खुदा खोल देता है, कोई एक महकमा कोई दूसरा महकमा, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि खासतौर पर बाइक वालों का हादसा बड़ा होता है बारिश के दिनों। अब ये देखें ना, ये हम इतने पानी से गुजारेंगे गाड़ी की ब्रेकें श्रेकें सब नीचे पानी और पानी हो जाएगा, लेकिन अभी भी इतना पानी है कि आप यू कैन लिव विद इट। घंटा बारिश और होगी तो फिर आपको पता लगेगा कि आप जीप के अलावा नहीं निकल सकते। आज आपको आइडिया नहीं था कि बारिश होगी, तो सुबह निकला तो धूप थी ऐसी, अच्छा। कड़ाके की धूप थी कि आपकी, लेकिन जितनी ह्यूमिडिटी हुई थी मैं गाड़ी धोके शैम्पू करके निकलूंगी। अच्छा, अगर मुझे पता होता तो मैं धोने की कोशिश जरूर करता। आप शैम्पू बाद में, देखिए हमारे घर के बाहर पानी आपको नजर आएगा जस्ट बिकॉज द रीजन कि यहाँ पे जो ड्रेनेज है ये देख रहे हैं आप राइट पे, ये ड्रेन बना हुआ है एक, ये है राइट पे अगर आप दिखा सके तो, ये देख रहे हैं वो पानी का ड्रेन है, उसको ब्लॉक किया गया होगा किसी चीज से, पत्ते होंगे, एक यहाँ पे ड्रेन है ये गटर के साथ। लेकिन सर ये इतना अफ्लुएंट इलाका है, मेरे ख्याल से लोगों को ही कम्युनिटी बना के कुछ ना कुछ करना चाहिए इस बारे में, और मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस भी होगा कि गवर्नमेंट की मदद आपके तहत ही बनाया सारे। इस सड़क पे बहुत ज्यादा पानी होता था, अगर आप इस सड़क पे घरों के स्लोप दिखाएं वो स्लोप देख रहे हैं, पूरी गली में ना लोगों ने बोरियां रखी होती थी स्लोप ऊपर किए हुए थे, अब तो बहुत बेहतर हो गया है और अपनी मदद आपके तहत ही हुआ, लेकिन किस हद तक आप अपनी मदद आप कर सकते हैं। तो अब हम हमर पे जा रहे हैं मुआयना करने लाहौर का, किधर किधर पानी खड़ा, तो हम अब लाहौर का मुआयना करेंगे देखेंगे। उस पे तो मर्सिडीज पे तो पॉसिबल नहीं था, बट ये हमर पे पॉसिबल है। अभी इसका जो एसी है ना, उसकी ब्लोअर मोटर खराब थी, मैंने मंगाई है, अब वो कह रहे हैं कि ब्लोअर मोटर तो आ गई, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी आनी है, वो मंगाई हुई है,
पुरानी गाड़ियों के मसाइल चलते रहते हैं मतलब। खैर ये अपने इसका ये जो है इंटीरियर ये ब्लैक ही है ना, पहले नहीं था इसके प्लास्टिक पार्ट्स है ना पुराने होने के बाद वो टक 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 बोल रहा करते थे, तो मैंने इसको सारा ही लेदर करा दिए, छत देख नहीं कराई है। हाँ ये तो बड़ी बेहतरीन लग रही है, स्वेट हो गई छत स्वेट, आप छुपे रह सकते हैं। काम कराने पड़ते हैं यार, सारी गाड़ियों कराने पड़ते हैं ईद से पहले। सर ये अभी जिस जगह पे हैं हम लोगों को सबसे ज्यादा इसी का इंतजार है, बताएं कि सर गैराज टूर कब दे रहे हैं आप? गैराज टूर मैं जब सोचता हूँ देने का उस दिन कोई ना कोई चीज खराब हो जाती है, उस दिन पोर्श का सोचा था वो कराएंगे वो ठीक हुई है, अब पिजारो का कोई मसला चल रहा है। खैर है खराब सही लोगों को ये देखे, अब आप कैसे दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, ये मुझे शीशे उतारने पड़ेंगे, थोड़ा सा उतारेंगे तो विजन क्लियर भी हो जाएगा सामने। ये बाकी गाड़ियां तो आपकी मेरा तो आधे घंटे बाद नहीं निकल पाएंगी, गरीब बंदा सर क्या करे, गरीब बंदा क्या करे, गरीब बंदा जो है वो बारिश में ना निकले पहली बात, समोसे ना खाए। नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे देखें, एक और चीज भी है, एक तो ये तो पानी है ना, दूसरा आपको ये नहीं पता तो कहीं तार गिरी हुई है करंट आया वो बड़ा डेंजरस है, कहीं करंट आ गया तो अभी देखे आगे वाला रुक गया। अगर आप आम गाड़ी पे होंगे ना तो आपकी गाड़ी का रिदम खराब हो जाएगा, आप वहीं पे रह जाएंगे। ड्रीमी सी आपके फ्रंट शीशे पे फीलिंग आ रही है बेचारा, ये ठीक हो जाएगा फ्रंट शीशे, अभी अभी देख लेते हैं फ्रंट पे करते हैं ना। जब फिंस के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब हुई हुई है, मुझे तो कई दफा ये बारिश में रात को खास तौर पे निकल रहे हो ना तो मुझे डर लगता है कि बंदा लूट रही ना आ जाए, मतलब इसी बहाना करके ही ना रोका उसने। बारिश में लूटने वाला बेचारा कहाँ से आएगा, मोटरसाइकिल तो जल्दी नहीं इतनी बारिश में, वैसे जल्दी बारिश में एक जनरल मैंने इफेक्ट ये देखा कि ट्रैफिक बड़ी स्लो हो जाती है, ग्लूमी वेदर अंधेरा सा होता है। ये सामने सर कुछ टायर फटा हुआ है, ये तो मोटर पे समय लग रहे हैं, ये बाहर निकल के कपड़ा मार दो इसे क्या? नहीं नहीं सही हो जाएगा, बाहर से नहीं अंदर से। अच्छा ये उसके दो ही तरीके होते हैं स्क्रीन के ऊपर फॉग उठाने के, या तो आप डिफोगर ऑन कर दें, इसका मैंने आपको बताया ब्लोअर नहीं चल रहा वो नहीं होगा, दूसरा ये कि फ्रेश एयर जब पास करेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जरा आपको नजर कैसे आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है मतलब इतने भी बुरे हालात नहीं, मेरी नजर और उम्र कर दूं मैं नहीं, मुझे आ रहा है नजर, आपकी साइड पे देखें कोई इशू नहीं। मैं तो हमारी ऑडियंस के लिए मैंने कहा जरा उनको दिखाएं लाहौर, खूबसूरत बहुत हो जाता है, बारिश के बाद ग्रीनरी जो है वो माशाल्लाह खूबसूरत हो जाती है। वही कहते हैं ना कि रहमत रहे ज़हमत ना मंजर, तो रहमत हम लोग खुद बनाते हैं। अगर हम अपने कहते हैं आप कहते हैं कि सिविल सोसाइटी का भी काम है कि वो भी काम करें, तो अगर हम अपनी मदद आपके तहत अगर अपने इलाके को साफ रखेंगे, अभी देखें यहाँ कोई पानी नहीं खड़ा, कितनी बारिश है इस सड़क आपको देखिए कोई कतरा नहीं खड़ा, इसका मतलब है कि समवेयर समबडी इज डूइंग देयर वर्क, प्रॉपर बनी जो स्ट्रीट्स है उनमें इतनी इंजीनियरिंग नहीं इन्वॉल्व होती उस तरह, स्लोप नहीं डिसाइड की। पर अच्छा फैसलाबाद में मैं रहता था बताऊँ क्या होता था, अच्छा जी हमने अपनी गली बनाई थोड़ी ऊंची बनवाई, अगलों ने उससे भी ऊंची बनवा ली, उससे अगले ने और ऊंची बना ली, मतलब की हाँ, और उसमें मतलब कॉम्पिटिशन होता था, मतलब की अभी एक बंदे ने गली बनवाई है तो अगले बंदे ने ना उससे ऊंची बनवानी है ताकि सारा पानी दूसरे पे जाए। मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि लोग दूसरों का ख्याल नहीं करते, सिग्नल ट्रैफिक नहीं चल रहा होता जैम क्यों होता है, हर बंदे को पहली जल्दी होती है कि मैंने जाने पहले, अगर आप ये देख लेंगे भी आगे से गाड़ी आ रही है और मैं फंस जाऊंगा तो आप ना ही लेके जाएंगे, बट लोग लेके जाते हैं उसकी वजह से फिर एक्सीडेंट भी होते हैं परेशानियां भी होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना ये मैं कह रहा हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईद अभी गुजरी है, लोग कहते हैं जी ओजड़ी अपनी गली से उठा के अगली में फेंको, तो अगली गली में कोई नहीं रहता, वो अगली वाला दूसरी अगली में फेंकता रहता है, तो ये जो है हालांकि इस दफा हमने देखा कि यहाँ पे एटलीस्ट पंजाब में अगेन इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया, LWMC वालों ने उन्होंने गाड़ियां रखी हुई थी वो आगे ले जाते थे, वरना पुराने जमाने में तो आपको यहाँ पानी में बैठी नजर आनी थी ओजड़ियां, वो नहीं है सर हाईवे के ऊपर, वो लोग वही मैं गाँव जाता था तो रास्ते में लोग वो फेंकते हैं और उनका फन होता है कि ऊपर से गाड़ी गुजरेगी और वो पटाखा निकलेगा और ये जो देखे ना एंटरटेनमेंट की कमी आप कौम के पास, आप अंदाजा लगा लें किस किस्म की एंटरटेनमेंट का लैक है कि वहाँ पे बच्चे जो उनकी एंटरटेनमेंट ये है कि जानवरों की जो उजड़ी है वो फेंक के उसके पटाखा एंजॉय करना है अगेन, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लाहौर में पहले होता था अब यहाँ पे नहीं हो रहा, तो वो सिविलाइजेशन जिन्हें कहते हैं ना कि हमारे एक इंसान की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती हैं, उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं, हम लोगों से तो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जो हमारा रोल है वो हमें प्ले करना चाहिए, उसके बाद हम जरूर एक्सपेक्ट करें, बट अपने गली के गटर को साफ रखना या उसके आगे जो ब्लॉकेट है उसको रोको देखते रखना, अगर हम ये थोड़ी सी काम कर लेंगे तो उसमें हमें तकलीफ ही हमें कम होगी ना, तो ये सारी चीज़ें हमें लोगों को देखनी चाहिए और उसको
बेहतरीन तरह लेके आने चाहिए। अब मैं आपको लेके जाऊंगा सही वेनिस तक, जहाँ पहुंचेंगे ना वो लाजमी जगह है जहाँ पे पानी खड़ा ही होना है। मैं तो वही सोच रहा था कि भाई कि हमने हमर ब्रेक क्यों मारी है इसने, वो इंडिया में नहीं वीडियो आई थी खातून गिरती है उसे कहती है कि तुम नहीं, हमारे यहाँ एग्जैक्ट ये हाल है। जब उठ जाते हैं ना अगर तो चोट नहीं लगी होगी तो आपके गले पड़ जाएंगे, अगर चोट लगी होगी तो कहेंगे अच्छा जी हम गरीब आदमी हमारा ख्याल कर रहे हैं। ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मिड सड़क में, स्विमिंग पूल बनेगा सर। हम ऐसे तो नहीं खेलते लेकिन घर पे छत पे बड़ा मजा आता था। अभी ये देखे ना ये भी एक नॉन पॉइंट है, ये हमारा पार्किंग का जो पुराना दफ्तर था इसके बारे में यहाँ पानी इकट्ठा होता है, ये नॉन पॉइंट है, ये तो खड़ी ये मेन सड़क है, ये यहाँ पे मेन गटर है, ये गटर यहाँ से तो ये गटर के पास सारा इकट्ठा होकर स्लोप आ रही है ना तो यहाँ पे पानी हमेशा इकट्ठा होता है। अब आपको मैं सही जगह लेके दिखूंगा, इस मोड़ पे हमेशा पानी है और यहाँ से हमने लेफ्ट होना है ना स्टेडियम की तरफ, तो वहाँ तो आपने मतलब चेक करके परेशान हो जाना है, वहाँ कैंप भी लगा होगा वासा का, उन्होंने मशीन भी लगाई होगी, बट देर इज अ लिमिट टू विच वो निकाल सकते हैं ना। ये तो फिर अंडरस्टैंडेबल है और बेरेबल किस्म का है, और मैं भी जब भी कदाफी स्टेडियम गुजरता हूँ ये है, बट बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो कराची में जो है ना डिफेंस में जो भी रहता था उसमें पानी खड़ा होता था, आज भी वैसे ही है। और उधर लैंड प्राइस 87 में हुआ कराची में तो उन्होंने कहा पूरा डिफेंस डूब गया, आज 2022 आ गया तभी ये जा रही है, थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही काम रह गया, अभी मोटरसाइकिल वाला बेचारा नीचे अपना वो देख रहा था पानी उस पर फेंक दिया, उसके प्लग प्लग में पानी चला गया होगा, बारिश पहले बहुत अच्छी लगती है लेकिन बाहर जो निकला हुआ है उसके अलावा घरों में बिजली चली जाती है, घरों में बिजली चली जाती है लंबे लंबे। अब देखे वासा की देखे ना टीमें खड़ी हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, अगर कराची में भी ऐसी टीमें पहले से खड़ी है तो आई डोंट थिंक जितनी मर्जी बारिश हो जाए कुछ तो करेंगे ना। अब इन्होंने वासा की टीम खड़ी की हुई है, ये इसके साथ उन्होंने वो लगाया हुआ है सक्शन पंप होगा वो इसके, वाटर सैनिटेशन एजेंसी जो है उन्होंने लगाया हुआ है ना, अभी देखें यहाँ से जो सड़क है ना इस पे पानी इकट्ठा होना ही होना है हमेशा का डन है। अभी ये देखिए वहां से उन्होंने और ये बनी भी है उसके बाद कई दफा, हाँ, कई दफा बनी है, बट ये नॉन जगह के ऐसे नशीबी इलाके के यहाँ पे इकट्ठा होता होता है, अभी बहुत कम है यहाँ पे, आपको बीच में डिवाइडर नजर नहीं आता होता। और इससे सड़क की लाइफ भी बिरल से हाफ से भी कम हो जाती है, उसमें पानी अंदर जा जाके जो उसकी जो है ना पत्थर आहिस्ता आहिस्ता और जो साइड पे बिल्डिंग है उनके लिए भी खतरनाक होता है, अगर ज्यादा देर के लिए खड़ा रहे तो वो धंसने लग जाती है। बिल्कुल ऐसी। अब आपने समोसे खाने सर, समोसे खाना खाए जो मर्जी कर लेते हैं, टाइम तो लंच का, टाइम तो जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल लेकर फिर आ जाएंगे, नहीं क्या हुआ नहीं वो किसी की हेल्प कर रहा है, वो कैट आइज टूटी हुई है उस दिन मोटरवे भी जो टायर फटा है ना वो इसी तरह कुछ, अभी ये कैट आइज नहीं होता वो जो पतली सी लगी होती है छोटी टिक टिक वाली, वो निकली है तो उसके अंदर कील है, वो उल्टा था वो बेचारा किसी की मदद करने के चक्कर में, देखें अभी भी अच्छे लोग जिंदा है इसीलिए दुनिया में जो है ना दुनिया कायम है। हाँ मैं वो देख रहा हूँ कि मतलब कि ना कई लोग बहुत खुददारी भी है और लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान सारा करप्ट है और वो है, मतलब पिछली दफा छोटी सी चीज थी मैंने गोश्त रखने के लिए ना एक गोलगप्पे वाला है उस पहले एक फ्रूट वाले से 10 चॉपर लिए, वो कहता नहीं है, फिर उसको मैंने 100 रुपया दिया और एक गोलगप्पे वाले से 10 चॉपर लिए और हालांकि बहुत छोटी सी रेडी थी और उसको मैंने 100 रुपया दिया, वो ले रहा ही नहीं था, उसको मैंने 200 भी दिया तो वो कहता नहीं मैंने लेना ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ हमारे मुल्क में अभी भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे लोग हैं, मेजोरिटी अच्छे लोगों की, बुरे लोग दुनिया में हर जगह हैं, बट एक होता है ना प्रोपेगेंडा के जी लोगों ने रोला डाला होना है कि किसी के लिए पाकिस्तान में कोई हेल्प नहीं करता, ये नहीं होता। अब इस मोटरसाइकिल वाले ने जो है रोक के उसको क्या नुकसान था, उसने हेल्प ही की ना, किसी दूसरे की अगले आने वाले का ख्याल किया, तो इस तरह लोगों को दूसरे करनी चाहिए, आप अपने हिस्से का काम करते हैं तो दुनिया गोले घूम के आपके साथ भी कुछ ही करेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है बट होपलेस केस नहीं है, जो लोगों को लगने लगे कि होपलेस है। बारिश हुई है आपके सामने देखें, स्पीड में हुई थी, हम निकले थे कितनी देर पहले 10-15 मिनट के अंदर बारिश खत्म हुई है, अभी तो क्लियर है क्योंकि सड़क के साथ उन्होंने बनाए हुए ना, देखे साइड वेज वो सारा लॉन में पानी जा रहा है। हाँ ये भी अच्छी चीज है। मैंने इस मेन ब्लूवर्ड के ऊपर मुझे याद है 1998 के अंदर मैं और मेरा भाई हमारे वाले साहब ने मर्सिडीज ली थी 96 में, संडे का दिन था, बारिश हुई बहुत बारिश हुई लाहौर में ना उन दिनों, हमारी बोनेट के ऊपर से पानी आया था, हम ये कैपरी से पूड़ी हलवा खाने गए थे, वापस आके हमने फोम से गाड़ी के अंदर से पानी निकाला था और पूरी मेन ब्लूवर्ड पानी में पानी थी, तभी डबल नहीं होती थी सिंगल होती थी,
अब ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट हुई है तो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वहाँ मानना चाहिए कि हुई है। अभी सर्विस लेन में नहीं हुआ, देखिए अब सर्विस में पानी खड़ा है, मेन से उधर चला गया, सर्विस सारी भरी हुई पानी से। अगर आप दिखाएंगे जितनी भी वो थे पीछे भरे हुए थे पानी से, बट अभी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उसके बाद देखिए भैया सर्विस लेन में पानी है ना, और वहीं पर जितने प्लाजे प्लाजे हैं उनका सब में जाएगा। और दूसरा ये सिग्नल फ्री है ना, हम मूव कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होना पड़ता। ये थी थोड़ी सी टिप्स जो आपको, बल्कि आपको लाहौर हमने दिखाया है। जो सबसे पहली टिप ये है कि आपके जो वाइपर है ना देखे, अगर वाइपर साफ है ना, वाइपर की रबड़ सही है तो आपकी सफाई होगी। ये रेन में लाजमी है। और ये रबड़ कहाँ से मिलेंगे जो साइड पे आपको लोग कह रहे होते हैं रबड़ चेंज करा दें? वो भी उनसे भी करा सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने लास्ट टाइम पार्क बिल से ऑर्डर किया था। बट बारिश की टिप में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जूते आपके ऐसे होने चाहिए। मैंने अभी अपनी खेड़ी खराब कर ली है, लेकिन कोशिश करें कि बारिश के मौसम, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर बारिश का अगर मौसम में पता है तो आप ट्राउजर या जो पजामा होता है वो पहन लें, टी शर्ट पहन लें, साथ जॉगर पहन लें, ऐसे बूट पहन लें जो कि पानी से खराब ना हो, क्योंकि ये शलवार कमीज आपके सामने एक दफा धुल के आए ना तो ये सारा काम खराब हो जाएगा अभी। सो व्यूअर्स, ये था आपको हमने लाहौर की जो सिचुएशन है आफ्टर मानसून उससे आगाह किया है। और अभी कराची में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रजा हसन, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, वो आपको कराची का होपफुली बताएंगे। अगर वो निकल जाएंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वैसे जनरली फायदा ये था, अगर आपने कभी इस्लामाबाद में पानी नहीं देखा होगा, इस्लामाबाद में नहीं, इस्लामाबाद एक तो प्लांट सिटी है, वो वैसे भी सर वो ऊपर नीचे है ना, पहला प्लांट सिटी है उसमें वायद लैंड भी खाली है। लाहौर में लोग कहते हैं डीएचए में पानी नहीं है, कराची डीएचए की आजकल वो चल रही ना कि लोग कहते हैं डीएचए, तो अब वो भी खत्म हो गया क्योंकि जब वो प्लॉट बनना शुरू हो गया सारा एरिया ग्रे हो गया तो पानी निकलने की जगह नहीं रही, पहले खाली प्लॉट में चला जाता था। तो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल इस वैसे नहीं आता, पिंडी में आता है, पिंडी में भी कम होता है, नहीं मुझे तो नहीं चला जरा। चले पेट पूजा करें, चले सब्सक्राइब कीजिएगा और होपफुली आपको ये पसंद आ रही होगी स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।